गाइस, तो क्या आपको पता है ये सिर्फ बची हुई रोटी से इतने टेस्टी स्नैक्स आप बना सकते हैं। जब घर में आए हो मेहमान, बनाने के लिए कुछ भी ना हो तो इस तरह से आप बची हुई रोटी से ढेर सारा स्नैक्स बना सकते हैं। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का हमारे शर्मा ऑफिशियल चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके हिस्से के घर में रोटी बच जाती है तो आप क्या करते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए, बची हुई रोटी से हम एक जबरदस्त रेसिपी बनाते हैं जिसे हर कोई बना सकता है और फटाफट हो जाता है और बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए, यहाँ पे हमने ले लिया है एक रोटी और अब हम इसको एक चौके पे रख लेंगे। अब इस रोटी को हम इस तरह से काट लेंगे। तो हमने यहाँ पे बीच में कट लगा दिया। अब इसको हम इस तरह से पीसेस में काट लेंगे। रोटी को एक एक इंच की दूरी पे काटना है। आप चाहें तो इसे कैंची से भी काट सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने रोटी को पीसेस में काट लिया है। चलिए अब एक छोटी सी तैयारी कर लेते हैं, इसको हम साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे हमने ले लिया है चीज, तो सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेंगे। अब इस चीज को हम अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। तो हमारे पास यही वाला था, तो जो आपके पास है वही आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चीज को ग्रेट कर लिया है। तो अब इसमें हम ले लेंगे थोड़ा मेयोनीज। अब यहाँ पे ले लेंगे हम थोड़ा सा पास्ता सॉस। अब इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ले लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा सफेद तिल ले लेंगे। तो अब इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें नमक डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी हल्का फुल्का नमक पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा नमक खाने के शौकीन हैं तो आप इसमें चुटकी भर नमक ऐड कर सकते हैं, वरना इसमें कोई ज़रूरत नहीं है नमक ऐड करने की। देखिए, यहाँ पे अच्छे से हमें सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा टेस्टी ये रेसिपी बनती है, तो हल्की फुल्की भूख हो या कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप इसे फटाफट बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो रोटी के पीसेस हैं इस तरह से हमें लगा लेना है चटनी को, मिक्सचर को, जो भी बोले। इस तरह से अच्छे से रोटी पे अप्लाई कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमने अप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पे एक रोटी का पीस लेंगे, इसके ऊपर हम रख देंगे। देखिए, बहुत ही अच्छी हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो जाती है। तो इसी तरह हमें सभी रोटी पे लगा लेना है और बना लेना है। तो यहाँ पे हमने दूसरा भी तैयार कर लिया है, अब इसको हम इस पे रख देंगे। इसी तरह हमें सब बना लेना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, हमने सभी को बना लिया है। अब यहाँ पे एक बर्तन में हम थोड़ा सा बेसन लेंगे, एक कटोरी जितना। अब इसमें हम अच्छे से गोल इसको बना लेंगे। तो अब इसका हम एक पतला गोल बना लेंगे, ज्यादा पतला भी इसे नहीं करना है, हमें मीडियम में रखना है गोल को। अब इस गोल में हम थोड़ा सा सफेद तिल ले लेंगे। अब इसमें हम चुटकी भर जितना नमक ले लेंगे और इसको हम अच्छे से गोल लेंगे। तो देखिए, हमारा परफेक्ट यहाँ पे बैटर बनके तैयार है। तो चलिए अब आगे की शुरू करते हैं। रोटी को डिप कर लेंगे। तो इस तरह रोटी के पीसेस को हम अच्छे से बेसन में डिप कर लेंगे और अब इसे हम गर्मा गर्म तेल में फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, अब एक एक करके इसमें हम डाल देंगे। अब दूसरा भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे इसमें। अब इसे हम नीचे थोड़ा फ्राई हो जाने देंगे, तब इसको हम पलटेंगे। तो अब इसे हम पलट लेते हैं क्योंकि एक तरफ अच्छे से सिक चुका है। तो आप देख सकते हैं, हल्का एक गोल्डन हो गया है नीचे की तरफ। तो इसी तरह हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है क्रिस्पी होने तक। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं, इसका कलर थोड़ा डार्क ही रखना है। अब यहाँ हमने एक प्लेट में इसको निकाल लिया, बाकी जो है इसी तरह हम सभी को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने सभी को फ्राई करके निकाल लिया है। तो फाइनली हमारी रोटी से चटपटी स्नैक्स बनके तैयार है। तो अब ले लेते हैं साथ में हम लाल चटनी। तो आपको जो चटनी पसंद हो वो भी ले सकते हैं आप।
तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में मेहमान आए हो और बनाने के लिए कुछ भी ना हो तो इस तरह से ढेर सारे रोटी से स्नैक्स बना के उनको दे सकते हैं और पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसे किस चीज़ से बनाया है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कॉमेंट में बताना मत भूलिएगा। तो ऐसी ही आसान रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय फ्रेंड्स।